PS4 गाड़ियों की बैक डेट रजिस्ट्रेशन करके सैकड़ों गाड़ियों बेचने वाले इंटरनेशनल टोरी के 9 आरोपियों को नवी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में 7 करोड़ 15 लाख रुपए के 151 वाहन जब्त किए गए हैं। देश में पहली बार इस तरह PS4 वाहनों को जब्त करने के लिए नवी मुंबई में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। नवी मुंबई पुलिस ने ये मामला में बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के द्वारा स्क्रैप में दिए गए लगभग 400 वाहनों को यह इसे बड़े तादाद में बेचने के लिए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, हैदराबाद, मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में बेचा जाता था। नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर विपिन कुमार सिंह ने बताया। देखिए अभी आपके सामने यहाँ पे करीब 151 गाड़ियाँ हमारे पास अभी जब्त हुई हैं। ये सभी गाड़ियाँ आपके सामने हैं यहाँ पे। इसकी कीमत अभी जो उसके हिसाब से करीब 7 करोड़ के ऊपर की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे कम में उन्होंने गाड़ी बेचने की कोशिश की है। और जो पूरा जो केस है, अभी जैसा हमने आपको बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि मार्च 2020 के बाद में ये जो PS4 की जो गाड़ियां हैं इनका रजिस्ट्रेशन और सेल दोनों बंद कर दिया गया था। और ये मारुति कंपनी की गाड़ियां हैं, ये जो कार्स हैं उन्होंने कंपनी ने गाड़ियां स्क्रैप में दी, ऑक्शन किया उसको, कुछ कुछ लोगों को उन्होंने ऑक्शन किया था, उन्होंने फर्दर उसको किसी और कंपनी को, जो ऑटो ऑक्शन कंपनी जिसका जो आरोपी है वो सनम सिद्दीकी करके मेन आरोपी है, तो कुछ गाड़ियां उन्होंने ली, 406 गाड़ियों का ऑक्शन लिया उसमें से। और ये फिर ये गाड़ियों का स्क्रैपिंग होना चाहिए था, उन्होंने स्क्रैप न करके ये जो ऑटो मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड ने जो उनको गाड़ी दी ऑटो ऑक्शन वाले को, उन्होंने उसका ये जो चेसी नंबर था वो भी उसमें से कट करके निकाल के दिया था। ये गाड़ियाँ सारी की सारी जो है ऑक्शन होंगी और ये गाड़ी दोबारा सड़क पर चलेगी नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि फिर वो उसमें गुजरात से कोई मशीन लाई और उसको वेल्डिंग करके उसमें एम्बॉस किया। अब वो जो चेसी नंबर था पहले का वो भी उन्होंने कहीं से लिया, लेकिन वो रैंडम उन्होंने कहीं पे सब गाड़ियों पे लगाई उसको, और फिर उसके डुप्लीकेट फोर्ज पेपर बनाए और कोशिश की। 7-8 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने किया हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि कोशिश थी कि ये जो इसके जो फॉल्स फोर्ज इन्वाइस तैयार करें, गाड़ियों के पेपर तैयार करें, कुछ पुरानी गाड़ियों के नंबर उस पर यूज़ करें और लोगों को बता करके कि ये गाड़ियाँ हमारे पास में यहाँ पे महाराष्ट्र में जो बाढ़ आ गई थी वो एरिया में जहाँ पे उन्होंने रखा था परवेल में, वहाँ पे कुछ पानी भर गया था गोडाउन में, तो वो ये गाड़ियाँ उसमें ख़राब हो गई इसलिए हम गाड़ी आपको सस्ते में दे रहे हैं, वैसा लोगों को करके गाड़ियाँ उन्होंने बेचने की कोशिश की थी। कुछ गाड़ियाँ बेची भी थी और बहुत अच्छा काम किया हमारे क्राइम ब्रांच के जो हमारी जो सेंट्रल यूनिट है, इंस्पेक्टर कुलटकर हैं और उनके जो बाकी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, DCP प्रवीण पाटिल हैं, एडिशनल CP शेखर साहब हैं, ACP चौहान साहब हैं, तो एक बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का जो इसमें लोग जो फंसते थे, ये गाड़ी अगर ख़रीदते थे गाड़ियाँ लेने के बाद में फिर वो फंसते थे उसमें, सारी फोर्स डॉक्यूमेंट पे गाड़ियों को मिलती थी, तो उनका नुकसान इसमें से बच गया। कुछ गाड़ियाँ उन्होंने बेच दी है, लेकिन बाकी कौन था सर? 400 गाड़ियाँ थी, उसमें से कितनी गाड़ियाँ पकड़ी हुई है और बाकी की जो गाड़ी है फिलहाल उसका क्या सिचुएशन है? क्या अभी दूसरी बात की कौन से स्टेट में ये सब बेचा जा रहा था? अभी इसमें जैसे महाराष्ट्र में भी है, बाकी इधर और भी साउदर्न स्टेट्स में भी है, टोटल 151 गाड़ियों का अभी तक हमारे पास में ये मिला है। बाकी इसके पास 407 गाड़ियों का था मेरे ख्याल से ऑक्शन का, अहमदाबाद में है, कर्नाटक में है, आंध्रा में है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बाकी गाड़ियों के बारे में पता लगे। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ये PS4 का जो रैकेट चल रहा था ये उसका सबसे बड़ा ये है, क्योंकि मार्च 20 के बाद में तो इसको रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं और अब बेच भी नहीं सकते हैं, तो सारी गाड़ियाँ स्क्रैप में जानी चाहिए थी। उन्होंने उसमें कोशिश की है कि इसको हम वापस जो है मार्केट में ला करके बेचे गलत तरीके से। सर कंपनी के यहाँ पे लूपहोल्स वगैरह सामने आए क्या जिन्होंने स्क्रैप में मतलब सब बेच दिए हुए थे? नहीं, कंपनी का कोई लूपहोल नहीं, कंपनी ने उसको बराबर जो है ना उन्होंने टेंडर करके उन्होंने ऑक्शन करने के लिए दिया था, ये ऑटो मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड को, उन्होंने भी एक दूसरी कंपनी को दिया था जो ऑटो ऑक्शन कंपनी है कि ये इसके मार्फत से उसको स्क्रैप करेंगे। इन्होंने इसमें जो 9 आरोपी हैं उसमें जो मेन आरोपी है उसकी कंपनी है ऑटो ऑक्शन, तो उसने ये कोशिश करके सब लोगों ने मिल करके इसमें जो आपका ये आना मसलम सिद्दीकी करके है वो इसके मेन जो सरगना है वहीं है, उसकी कंपनी है ऑटो ऑक्शन, और ये सारे सब ने मिल करके 9 लोगों ने उसमें अपने यहाँ के भी लोग हैं, हरियाणा के भी लोग हैं, हैदराबाद के हैं, तेलंगाना के भी लोग उसमें हैं, ये सब ने मिल करके इसमें कोशिश की है कि हम मार्केट में बेचें। कुछ गाड़ियाँ बेची भी हैं
उसके बहुत सारे फोर्स जो फॉल्स जो इन्वॉइस भी हैं और बाकी सारा आप देखेंगे, अभी आपको दिखेगा कि वो जो चेसिस नंबर है उन्होंने वापस कैसे उसमें वेल्डिंग करके इट लुक्स लाइक ओरिजिनल। वो ये बड़ा ही एक अच्छा काम किया हमारे क्राइम ब्रांच ने सर इसमें, और बाकी लोगों की जो इसमें जो एक तरह से जो फसड़ूक होने वाली थी वो रुक गई अभी। सर आईटीओ भी किसी का इसमें सामने आया अभी तक इन्वॉल्वमेंट वगैरह? अभी देखो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा एक्चुअली जो कुछ गाड़ियां अरुणाचल में हिमाचल में जो रजिस्टर्ड हुई हैं अब उनके सामने कौन से पेपर गए कैसे गए क्या गए वो हमारा इन्वेस्टिगेशन का भाग है, और जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे हम इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा सब पे कार्रवाई करेंगे हम। सर एक बात जानना चाहेंगे कि जो गाड़ी यहाँ पर लाई गई है पूरे भारत की बात की जाए तो कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ लाई गई, कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ लाई गई है जो अभी अपने पास फिलहाल जमा है? नहीं अभी पहले बताया हमने आपको ना कि ये गुजरात अहमदाबाद है, दिल्ली है, कर्नाटक है, कुछ महाराष्ट्र में है, हैदराबाद से ऐसे कुछ कुछ जगह से गाड़ियाँ मिली हैं, बाकी और भी गाड़ियाँ हमको चांसेस हैं मिलने की। सर आपको नहीं लगता कि जितनी गाड़ियाँ बाहर बाहर से मिली दिल्ली गुजरात से लाई गई है यहाँ पर तो उसके खर्च एक्स्ट्रा पुलिस विभाग को वहन करना पड़ा होंगे कि ड्राइवर और पेट्रोल वगैरह वगैरह जो उसमें आता है अगर ट्विंग की जाए तो उसमें भी लंबा चौड़ा खर्च हो जाता है? नहीं तो हमारे वहां पास से लाने के बजाय अगर उन गाड़ियों को अगर वहीं के पुलिस थाने को सौंप दिया जाता तो पुलिस विभाग के खर्च थोड़े बच सकते हैं? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है क्योंकि केस हमारा है जी, हमारे एफ आई आर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हमको लाना पड़ेगा जी, और हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन फंड वगैरह रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके फंड की कोई इशू नहीं है। अभी गाड़ियों का जो डिस्पोजल है वापस अभी इसको स्क्रैप करना है, अभी कोर्ट से परमिशन लेकर के क्या करना है जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको हम करेंगे पूरा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।